चलो तो आओ अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, ईयर के लिए एक एरिया डिफाइन कर लो कि अपना ईयर की जो लेंथ होगी वो इतनी होगी। अब ईयर जो है अपन ने लास्ट वाले में स्ट्रेट देखा था, तो इसमें थोड़ा स्लांट देखते हैं। तो उसके लिए स्लांट के लिए एक लाइन बना लो, ताकि जो अपन ओवल बनाएंगे ठीक है वो थोड़ा टेढ़ा रहे। तो यहाँ पे ओवल बनाओ इस तरीके से, ठीक है। तो ये विथ हो रही है अब, ठीक है। बहुत ज़्यादा एकदम मोटा मत कर देना ईयर, ठीक है, लेंथ के हिसाब से रखना, और बहुत पतला भी नहीं कर देना। पतला लेंथ बहुत लंबी और ईयर बहुत पतला सा हो गया। और एक बार में पूरा परफेक्ट ओवल बनाने की आदत मैंने पिछले वाले में बताया था, छोड़ दो। ऐसे देख, मुझे देख सकते हो, मैं धीरे धीरे कर्व ला रहा हूँ, ठीक है। ये किया, ये हो गया। मैं इसको क्या करूंगा, हल्का सा ऐसे इरेजर की मदद से इरेज कर लूंगा, नीडेड इरेजर है। तो देखो क्या करना है, थोड़ा स्लांट आएगा, तो ध्यान देना यहाँ से चेहरे पे जुड़ रहा है ये, और ये यहाँ से, ठीक है। तो पहले देख लो एक बार, मैं शेप उसके बाद वो भी बताऊंगा शेडिंग। ध्यान से शेप देखो कैसे बना रहा हूँ मैं। तो उस नीचे की तरफ क्या रहती, टिप रहती, जो अपनी पतली सी टिप रहती। अब देखना स्ट्रेट नहीं आना चाहिए, जो यू शेप रहता है ना ये ऊपर की तरफ नहीं आएगा, ये स्लांट में रहेगा। आपके पास ये लाइन है, ठीक है। तो यहाँ से तुरंत नीचे आ गए, ये यहाँ पे थोड़ा फ्लैट सा रहेगा। अब ये कर्व के साथ नहीं जाएगा, ये यहाँ से ऐसे उठेगा ऊपर, धीरे से राइट टर्न मारा इसने, एकदम से नहीं कि पूरा एकदम राइट चला गया, धीरे से यहाँ ज्वाइन हो रहा है, एकदम से पूरी लाइन में ज्वाइन नहीं हुआ कि ऊपर गया राइट टर्न मारा फिर ऊपर, नहीं, धीरे से। अब ये धीरे धीरे यहाँ ज्वाइन होगा, एकदम से पूरा ज्वाइन नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ ला के छोड़ दो, पूरा नहीं ले जानी ऊपर, यहाँ ऊपर की तरफ कर्व करवाओ। ये ऊपर थोड़ा फ्लैट हुआ, कुछ लोगों के कान पॉइंटेड से रहते हैं, सेंटा क्लॉस वाले एल्फ नहीं बोल रहा हूँ मैं, लोगों के रहते हैं कान एकदम बहुत ज्यादा पॉइंटेड नहीं लेकिन रहते हैं, तो उनको भी बनाना देखना है, ठीक है। तो उसे हल्का पॉइंटेड कर दो, इस तरीके से ये बेस शेप हो जाता है। पहले इतना बना लो, अब अंदर का बना लेते हैं। ओके, तो अंदर का कैसे करना है उस पर ध्यान दो। सबसे पहले तो एक कवरिंग इसी की जाएगी, यहाँ से ऐसे ऊपर आया, धीरे से, बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं रखना इस वाले कर्व के बीच में और इस वाले कर्व के बीच में, ओके। और एकदम स्ट्रेट नहीं आएगा, हल्का सा ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा एक कर्व उठा हुआ, और फिर एक ये यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, हल्का सा कर्व है। अब उसके बाद अंदर जो और अंदर के बनाने अपन, तो सबसे पहले तो वो एक पाई शेप अपन बनाते थे, हल्का सा पाई शेप यहाँ से आएगा, देखना ध्यान से, क्या गलती करोगे, स्ट्रेट लाइन बनाओगे। यहाँ से एक पाई शेप आया, इस लाइन को क्रॉस करा थोड़ा सा, वापस मुड़ गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ मुड़ गया। जैसे इस लाइन को क्रॉस करा ये नीचे की तरफ आ गया, इसे ये अपन कहाँ बढ़ रहा है, ईयर ड्रम जहाँ होता ना इस वाले पार्ट में, ये वाला पार्ट अपने सबसे डार्क होता है, वी शेप अपन ने लास्ट वीडियो में भी बनाया था, लास्ट क्लास में, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो अपना वी शेप था, हल्का सा ये कर्व ऐसे आएगा, बाकी का शेडिंग का पार्ट है असल में, ठीक है। फिर वाई शेप के लिए ऊपर का हिस्सा ये हल्का सा, ये सब लाइटली ड्रॉ करना है, डार्क मत ड्रॉ करना, ठीक है। और ये वाई शेप के लिए अंदर से एक और कर्व है, जाके यहीं बीच में से खत्म हो जाएगा। ये वाला जो आ रहा है इस तरीके से नीचे की तरफ आएगा, और ये यहाँ लाइट अंदर की जो चीजें बना रहे हो नहीं, लाइट ही ड्रॉ करना, बहुत एकदम डार्क मत करना, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से अपना अंदर का पार्ट भी ड्रॉ हो जाएगा, इतना करो। तो दोबारा बना लिया था एक ही सिंगल आउटलाइन दिखने के लिए शेडिंग के लिए, शेडिंग देखो कहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन, हैचिंग टाइप करेंगे स्टार्ट, ठीक है। तो पूरे में दो ऑप्शन रहते हैं, अपन तो जो हाइलाइट्स हैं वो छोड़ के चलें, या फिर अपन जो हाइलाइट्स हैं वो बाद में बनाए, तो छोड़ के चलने वाले देख ही चुके हैं लास्ट क्लास में, इसमें हाइलाइट्स अपन अलग से बनाएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हो, हैचिंग ही कर रहा हूँ मैं, शेडिंग नहीं कर रहा, हैचिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से पहले इस वाले एरिया में मैं इस तरीके से हैचिंग करी, अब नीचे जो गैप दिख रहा है इसमें अलग डायरेक्शन में हैचिंग करूंगा,
शेडिंग नहीं कर रहा, हैचिंग कर रहा हूँ ये पास पास, ठीक है। तो इसको मैं पूरा ऊपर तक किसी डायरेक्शन में ले जाऊंगा, ठीक है। बस यहाँ रुकना और यहाँ रुकना और यहाँ से ऐसे थोड़े हाफ पोर्शन में करना, ये रहे है। इस तरीके से समझ लो, एक लाइन इमेजिन कर लो इसको बीच में से दो में डिवाइड करते हुए, इस डायरेक्शन में करते हुए, ठीक है। ऐसे ऊपर ले जाते हुए और ये यहाँ आके हो गया, ठीक है। इतना कर लो पहले, अब अपन को आगे करना है। तो ये जो कर्व दिख रहा, ऐसे कर्व करते हुए आएंगे ये, ठीक है। यहाँ ऊपर ऊपर फिल कर दो, मैंने क्या बोला, बाद में अपन हाईलाइट बाद में दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे करते करते ये आगे की तरफ आ गए, इतना पोर्शन छोड़ नहीं है अपन को, ठीक है। फिर अब इसको थोड़ा स्लांट में करो, इसको ऊपर स्लांट में करते हुए इधर तक ले गए। अब ये जो कर्व दिख रहे हैं, जैसे ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे है, ये पूरे डार्क होने चाहिए, ठीक है। तो इतनी जो आउटलाइन जो मैं बना रहा हूँ, इसके अंदर जो जो है ये, वो सब डार्क आना चाहिए। ये है तो कैसे करो, ये हुआ और अपोजिट डायरेक्शन में कर लो एक, इसमें क्या एक डायरेक्शन में करो ये, और फिर एक अपोजिट डायरेक्शन में कर लो ये, ठीक है। आराम आराम से, फिर नीचे वाला है एक डायरेक्शन में करो यहाँ पे, फिर इसके ऊपर एक और डायरेक्शन कर लो, ठीक है। अब बाकी जो ये तो डार्क हो गया अपने, अब जो लाइट वाला पोर्शन है वो करते हैं। तो यहाँ से ऐसे आएंगे, देखो शेडिंग वाला पोर्शन अपन लास्ट क्लास में देख चुके हैं, इसमें थोड़ा हैचिंग भी आनी चाहिए हल्की हल्की, ताकि बिना शेडिंग के भी काम चल जाए, ठीक है। ये हुआ, यहाँ पे अपन को थोड़े और डार्क पोर्शन चाहिए। तो बहुत देखो, जब डार्क करना होता है अपन पास पास और डार्क करते हैं, जब हल्का सा डार्क करना होता है कि बस थोड़ा ही डेप्थ और डालनी, तो उसे दूर दूर थोड़े स्ट्रोक और लाइटली लगाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। इसमें अपन ने ये वाला पार्ट इतना लाइट छोड़ा है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है, इसकी आउटलाइन क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। फिर यहां पे एक डायरेक्शन में नीचे की तरफ आते हुए, ठीक है, पहले इतना कर लो। तो अब ये वाला एरिया बचता है, तो जैसा मैंने बोला हाईलाइट अपन बाद में देंगे। तो एक डायरेक्शन में इसे जो फ्लो दिख रहा है ना, ऐसे कर्व आता हुआ, ऐसे ये करते हुए देखना, स्ट्रेट नहीं आ रही है, धीरे धीरे इस कर्व के साथ ये भी मुड़ते जा रहे हैं, ये यहाँ आके यहाँ ज्वाइन हुआ, यहाँ पे ये थोड़े छोटे होते हो, छोटे से बड़े होते हुए यहाँ गए, ये इसको डायरेक्शन बदली, ये आगे आए, ओके। हैचिंग कर रहे हैं अपन अभी, बहुत ज्यादा इसे भर नहीं रहे, ठीक है। तो ये हल्के हल्के जो अपन को चाहिए थे पार्ट वो हो गए, ये जो बचता है ना ये वाला पार्ट है, इसमें बहुत आराम आराम से करना होता है। तो जो डेप्थ चाहिए अपन, मैकेनिकल पेंसिल से ही हो जाएगा अपना पूरा काम, देखो हैचिंग का काम जो रहता है वो मैकेनिकल से ही हो जाता है 0.5 वाली, ठीक है। इतना लो, जो मैं पार्ट डार्क कर रहा हूँ साथ साथ कर ये डार्क कर दिया, ठीक है, अंदर का कर्व, ये बाहर का, बाहर की जो ऐसे शेडिंग ऊपर वाले में दी थी इसमें भी देंगे अपन। ये वाला पार्ट एक एक्सट्रीमली डार्क हो जाने चाहिए, उसे एक्सट्रीमली डार्क करने के लिए अब अपन 2B या 4B यूज कर सकते हैं, ठीक है। कौन से पार्ट एक्सट्रीमली डार्क हो जाने चाहिए, ये वाले, यहाँ वाले देखो, यहाँ से जो कर्व आ रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट अब ऐसे एक्सट्रीमली डार्क हो जाना चाहिए, इसमें मैं 4B यूज कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी जो आउटर कवरिंग है ये वाली,
इसमें 4B यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये यहाँ पे जो जा रहा है ये, इसमें मैं 4B यूज कर रहा हूँ। अब यही पार्ट शेडिंग में कर सकते हो, ठीक है, शेड कर दो हैचिंग की जगह, ऑफसेट ब्लेंडिंग स्टंप की मदद से ब्लेंड कर दो। तो दो सिंपल तरीके हैं, हैचिंग से दो चीजें सीख जाते हैं, वहां पे हैचिंग नहीं करनी कोई परेशानी नहीं, वहां पे शेड कर दो, ठीक है। अब ये बहुत ज्यादा वाइड लग रहे हैं, इसमें और डेप्थ की जरूरत है, इसमें इस डायरेक्शन में कर्व्स आते हैं वाई शेप में, एक अंदर की तरफ एक और कर्व, उस डायरेक्शन में हल्की हल्की हैचिंग करते हुए आओ, ठीक है, इस तरीके से यहां तक आएगी नीचे तक, ओके। यहाँ पे भी अब थोड़ी होगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, अपन ने स्लैंट में करी थी, यहाँ पे थोड़ी अपोजिट डायरेक्शन चाहिए ताकि थोड़ी डार्क हो, थोड़ी डार्क स्ट्रोक्स लगाने से। ये हैचिंग वाला पार्ट सिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि अपन लास्ट क्लास में देख चुके हैं कि शेडिंग वाला पार्ट कैसे, तो एक होमवर्क रहेगा कि इसको शेड करके देखना, ठीक है। हैचिंग में बता रहा हूँ, बगल में एक और जो बना रखा है ना, दोबारा बनाया, उसमें शेड करके देखना। तो ये करने के बाद क्या करना है, पहले इतना कर, तो 2B पेंसिल ले लो, ठीक है, तो बैकग्राउंड देना। तो बैकग्राउंड लास्ट टाइम अपन ने ऐसे सर्कुलर शेडिंग करते हुए दिया था, वैसे नहीं देते, इसमें थोड़ी हैचिंग करते हुए, कैसे, इस डायरेक्शन में ले गए अपन, ठीक है। फिर यहाँ से ऐसे जैसे नीचे की तरफ दिख रहा है ना अपन को, अपन ये थोड़ा नीचे की तरफ ले गए यहाँ से, फिर अपन को ये बेस दिखा, तो अपन यहाँ पे इधर की तरफ ले आए, फिर डायरेक्शन ये दिखी, फिर थोड़ा बाहर की तरफ ले आए, फिर ये डायरेक्शन थोड़ी स्लांट में दिखी, यहाँ ले आए, ये ऊपर की तरफ जाती हुई दिखी, इसे बाहर की तरफ ले आए, समझ रहे हो, इसका सहारा लो, ठीक है, जिस डायरेक्शन में ये जा रहे हैं उस डायरेक्शन का सहारा लो, और जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है ऊपर ऊपर करो, थोड़ा स्लांट में है, यहाँ करो जा रहा है, इसे यहाँ करो, बस इतना कर लो, आसपास और पूरा नहीं करना, ठीक है, इस वाले एरिया में, क्योंकि ये फेस पे जॉइंट। अब इरेजर लो अपनी, ठीक है, मोनो जीरो ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, इस तरीके से पॉइंटेड रहनी चाहिए। अब हाईलाइट, जैसे वाई शेप है, पहले तो ये वाई शेप का जो थोड़ा है, थोड़ा और अंदर तक, अब ये वाई शेप है, इसमें जो ऊपर का कर्व है इतना एक इरेज कर, ठीक है, फिर ऊपर वाला जो है कर्व, इसमें से एक कर्व वैसे इरेज कर, ऊपर इरेज किया, ये वाई शेप इरेज किया, अब यहां से एक कर्व ऐसे इरेज कियो और एक कर्व यहां से इरेज करो, ठीक है। अब हल्का सा एक ये नीचे देख सकता हूं, मैं बताता हूं कहां ये कर्व आ रहा, ठीक है, ये एक पोर्शन छूटा हुआ है, तो इसको इस कर्व से लेके यहां ऊपर तक ऐसे थोड़ा यहां इरेज करो, ठीक है, ये कर्व दिख रहा, थोड़ा यहां इरेज करो और थोड़ा यहाँ इरेज करो, बहुत ज़्यादा ऐसे हाईलाइट नहीं देने होते, ऐसे में बहुत बढ़िया लगता है अपना ये ईयर, ठीक है, थोड़े से यहाँ दे दो, थोड़ा यहाँ, तो ये तीन चार स्पॉट्स हैं, एक दो ये ऊपर, ये वाई शेप, यहाँ पे दो कर्व, यहाँ पे दो कर्व, और ये वाला पोर्शन तो अपन ऐसे छोड़ ही रखें, ठीक है, गलती से यहाँ पे आ जाए तो इसे बना लेना, ठीक है। चाहो तो ब्रश से ब्लेंड भी कर सकते हो सिर्फ बाहर का पोर्शन, ठीक है, तो अभी के लिए इतना ठीक है। होमवर्क पता है आप लोगों को करना क्या है, इसको जैसे हैच करा है तो वैसे ही शेड करके देखना जैसे लास्ट क्लास में करा था, और पहले दो चार बार पहले हैचिंग का बनाओ, फिर दो चार बार शेडिंग का बनाओ, ठीक है।